दोस्तों पांच के फंडे में फिर से मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अटल इनोवेशन मिशन एम वन टू प्रमोट कल्चर ऑफ इंक्वायरी अमंग रूरल पॉपुलेशन, टू टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरमेंट टू जनरेट लोकल इनोवेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो ध्यान में रखो, देखो बहुत बड़ी गुगली है ना, तो थोड़ा सा सेंटेंस याद में रखो। हर एक जो स्कीम रहती है उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने ध्यान में रखने चाहिए प्रॉपर वे से। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि नीति मिशन पार्टनर स्नैप, ऐसा न्यूज में है। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है एम, इट पार्टनर विद द स्नैप विच इज अ पैरेंट कंपनी ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्नैपचैट। अब ये क्या करने वाला है, इट्स ओवर 12,000 टीचर्स टू बी ट्रेन विच आर एफिलेटेड विद द अटल टिंकरिंग लैब ATL में जो लिंक है फॉर द ऑगमेंटेड रियलिटी इन द नेक्स्ट 2 years, और इसी वजह से ये किया गया है। अब अटल इनोवेशन मिशन के बारे में देखते हैं, 2016 में लॉन्च हो गया है। किस चीज के लिए, जस्ट प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये ध्यान में रखो वर्ड्स इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। अब कहाँ कहाँ, तो हर जगह भाई, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी हर एक जो एलिमेंट है जहाँ पे यूथ वर्क कर रहा है फ्रॉम द स्कूलिंग लाइफ टू द वर्किंग लाइफ, वहाँ पे ये चाहता है कि इनोवेटिव माइंडसेट बिल्डअप हो, है ना। इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट स्पेस है ATL, यानी अटल जो टिंकरिंग लैब है, इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट स्पेस जो स्कूल में बनाई गई है। 6 to 12 standard के बच्चों को 21st सेंचुरी के जो टूल्स है, यानी फ्रंटियर टूल्स जो है टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में रूबरू किया जाएगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, रैपिड प्रोटोटाइप टूल्स है, रोबोटिक्स है, बहुत सारे ऐसी चीजें है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, माइंडसेट क्या बनाना है, इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट बनाना है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कार्बन निगेटिव कंट्रीज। कार्बन निगेटिव कंट्रीज कौन सी है दोस्तों, 1 भूटान, 2 नेपाल, 3 सूरीनाम, 4 पनामा और 5 सेंट लुसिया। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, भूटान, सूरीनाम और पनामा। ध्यान में, थोड़ा सा ध्यान में रखो हाँ, क्योंकि तीन ही कंट्रीज है वर्ल्ड में जो कार्बन निगेटिव कंट्रीज है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो है वो अभी मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के पैक में आगे बढ़ रहे, लेकिन ओरिजिनली ये कैसा था, BBIN MVA था, यानी भूटान भी इसमें था। जून 2015 में ये पैक साइन कर दिया गया था जहां पे गुड्स और पीपल का मूवमेंट फ्री फ्लो रहे सभी कंट्रीज में इसी वजह से। लेकिन भूटान का पार्लियामेंट ने कहा कि भाई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके आधार पर और हमारी जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी टू रिमेन एज अ कार्बन निगेटिव कंट्री, बिकॉज भूटान वॉज अ फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन निगेटिव कंट्री, और इसी वजह से भूटान में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, टूरिस्ट को भी ज्यादा आने नहीं देते, तो ऑब्वियसली वो अपना बरकरार रखना चाहता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ध्यान में रखो। सी हाउ द भूटान इज एम्फसाइजिंग ऑन द कार्बन एरिया, है ना, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड निगेटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, है ना। वो अपना कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है, इकोनॉमी उसके लिए मायने नहीं रखती, तो ऑब्वियसली भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में भी टॉप मोस्ट है ना। तो ये ऐसी चीजें है दोस्तों कि आपको किस ढंग सा मटेरियल प्रोग्रेस चाहिए या ह्यूमन प्रोग्रेस, तो भूटान से सीखने लायक है। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, इंडिया इंपोर्ट्स कट्स पॉलिशेस 80 to 90% of the world rough diamonds. 2, the Indian diamond industry is largely import-oriented industry. Answer is A, only 1. India import करता है, लेकिन साथ में cut और polishes भी करता है. 80 to 90% of the world rough diamonds. यानी India में क्या ये diamonds 80 to 90% आते हैं, polish होते हैं, तो क्या Indians पहन के घूमते हैं, है ना? नहीं भाई, India में तो भाई ना भिखारी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इतने तो डायमंड्स यूज नहीं करेंगे, तो ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। तो इंडियन डायमंड इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, नॉट इंपोर्ट ओरिएंटेड बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी डायमंड इंडस्ट्री निभाती है।
ना अभी खास बात यह है कि डायमंड इंडस्ट्री खतरे में है थोड़ा सा, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन इसने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया है। अब बैन लगा दिया है तो ऑब्वियसली डायमंड इंडस्ट्री पर असर गिर सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? तो ऑब्वियसली ये जो रशिया का बिगेस्ट डायमंड माइनर है अलरूसा, ये दुनिया का 30% सप्लायर है रफ डायमंड का। अब यदि रशिया पर बैन करते हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी बैनिंग हो सकती है, तो इंडिया का जो इंपोर्ट होता है रफ डायमंड्स उसमें कटौती आ जाएगी। अभी जस्ट डायमंड इंडस्ट्री जो है इंडिया की, ये उभर रही है अपनी पैंडेमिक से और टारगेट रखा है 24 बिलियन डॉलर्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। अब कृषि लिए कहता है कि यदि गड़बड़ हो गई भाई, लोचा हो गया ऐसा, तो इंडिया को फटका गिरने वाला है और 25-30% से डाउन हो सकता है। दोस्तों बटवन क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन इंडिया स्टेप्स इन फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन शैल बी ए परचेस डॉलर्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फ्लोट द इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीज इन द मार्केट, बी परचेस डॉलर्स एंड सेल अदर फॉरेक्स बास्केट करेंसीज ऑफ इक्वेलेंट अमाउंट टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉलर्स, सी सेल डॉलर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सक इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीज फ्रॉम द मार्केट, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउज टू फ्लोट द डॉलर वैल्यू विद इन द बैंड एंड सेल वेन द हाइएस्ट एक्सचेंज वैल्यू अटेंड टू रिड्यूस द इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी फ्रॉम द मार्केट। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर इज सी, क्या है, डॉलर को सेल करना है और उतना ही अमाउंट का रुपी जो है मार्केट से विड्रॉल कर देना है। तो एक तरफ से डॉलराइजेशन, डॉलर का फ्लोट, और दूसरे तरफ से उतना ही अमाउंट का जो है रुपी निकाल देना, तो बैलेंस कर देना। देखो कैसा क्या है न्यूज में, इजिंग प्रेशर, व्हाट डज द 5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप स्कीम। 8 मार्च को आरबीआई ने ऑक्शन कर दिया है ना, बिडिंग हो गई वर्थ 13.56 बिलियन डॉलर का, उसमें से बिड फाइनल हो गया 86 ऑफ दीज बिड्स फॉर डॉलर 5.135 बिलियन, और कट ऑफ प्रीमियम रखा गया है फॉर 6.56 पैसा। अब ऑब्वियसली इसके वजह से जो रुपीज का जो है क्लोजिंग रेट वो भी बढ़ गया, बढ़िया हो गया, अप्रिशिएट हो गया रुपी, है ना, ये बेनिफिट हो गया। तो क्या हो गया, एक तरफ से डॉलर का इन्फ्यूजन कर दिया और उतना ही रुपीस मार्केट से निकाल दिया गया। तो इससे क्या हो गया, एक तरफ से तो इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो गया और दूसरे तरफ से है ना रुपीस जो है वो स्ट्रेंथन हो गई। तो सेलिंग ऑफ डॉलर और उतना ही सकआउट ऑफ द इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी, इसका असर एक तरफ से होता है कि रुपी के लिए जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो जाती है, रिड्यूस्ड, और दूसरे तरफ से डॉलर मार्केट में फ्लोट हो जाने की वजह से रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस, वन स्कूल डाटा कलेक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म, टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स अलाउड टू फर्निश डाटा, थ्री कवर डाटा ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम अ प्री प्राइमरी टू द 10th स्टैंडर्ड लेवल। आंसर इज ए, वन एंड टू करेक्ट, थ्री नहीं है दोस्तों। तो कितना डाटा कवर करते ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्री प्राइमरी से करते या नहीं करते, 10th स्टैंडर्ड का है या इससे ज्यादा है, ये थोड़ा सा देख लेते आप, ठीक है। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि क्लास वन केजी एडमिशंस डीप्ड इन पैंडेमिक ईयर, पैंडेमिक ईयर में ये केजी वन की और क्लास वन की एडमिशंस कम हो गई। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो है इसका रिपोर्ट कहता है 2020-21 का। अब खास बात है, नो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग प्री प्राइमरी क्लासेस वॉज ऑलमोस्ट 30 लैक्स लोअर देन इन प्रीवियस। बाप रे बाप, आप सोच सकते हैं 30 लैक्स कम हो गए, साथ में 2 लैक्स फ्यूअर स्टूडेंट्स एनरोल इन क्लास वन, है ना। तो फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट और ये प्री प्राइमरी क्लासेस, इसमें एडमिशंस नहीं हो गए। खास बात है कि जितने भी ज्यादा एडमिशंस हो गए वो गवर्नमेंट स्कूल में हो गए, तो ये भी खास बात है। क्यों ऐसा, ऑब्वियसली स्कूल ने भी कुछ ने भी सिर्फ नाम का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लेकिन बोगस है। अभी बच्चा ही एक नर्सरी में जाएगा भाई, वो ऑनलाइन पर क्या करेगा, है ना, क्या ओटीटी पर देखते हुए बैठेगा पिक्चर, कुछ भी, है ना। सो नॉट पॉसिबल, और इसी वजह से फिर लोगों ने विड्रॉल कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल में गए, प्राइवेट स्कूल से कम हो गए या एडमिशंस नहीं लिए, है ना। अब प्राइवेट स्कूल में क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसका रीजन भी है कि प्राइवेट स्कूल में प्रॉब्लम्स यह है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फी,
है ना, इतनी हेवी फी है कि पूछो मत, है ना। जैसे कोई नर्सरी में लग रहा है उसका वो कि डॉक्टर ही बन रहा है, एमबीबीएस ही कर रहा है ना, इतनी फी, खतरनाक काम है ना। तो अब ये यूडीआईएससी प्लस क्या है, इट्स ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ वॉलंटरी अपलोडिंग होता है, वॉलंटरी होता है, हर एक स्कूल जो होता है अपना वॉलंटरी अपलोड करना पड़ता है बाय द 30th सेप्टेंबर, है ना। अब ये डिटेल्स फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे पूरा स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन डालने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लेटफॉर्म से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए इसका काफी कुछ हेल्प हो जाता है। आई होप सो कि ये पांचों क्वेश्चन समझ गए होंगे, मस्त कर लो भाई और रिजल्ट दे दो। थैंक यू।